नमस्कार साथियों, मैं पवन पारसर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है निर्माण की, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है संविधान का निर्माण। तो एक बार हम इसे शुरू से देखते हैं कि अब तक हमने देखा कि संविधान क्या होता है। तो हम देखें, संविधान नियमों का समूह होता है जिससे शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इसके बाद देखा कि संविधान हमें दो तरह की मिलती है, एक लिखित और अलिखित। लिखित में पहला अमेरिका का, जेएसीएम माध्यम में जापान का, और नवीनतम नेपाल का और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, क्योंकि वो संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। उसका धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसके बाद देखा हमने संविधान सभा की मांग। तो सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक ने, यह 19वीं सदी की पहली मांग थी और पहली अनौपचारिक अनऑफिशियल मांग थी। इसके बाद हमने देखा 1922 में गांधी जी ने, यह 20वीं सदी की पहली मांग थी। और इसके बाद हमने देखा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ही संविधान बनाने का प्रयास किया, परंतु वो क्या रहे, असफल, उसकी पूरी कहानी देखी। इसके बाद 1934 में एम एल रॉय ने संविधान बनाने का क्या किया, सॉरी एम एल रॉय ने, मानवेंद्र नारायण रॉय ने ऑफिशियल पहली बार संविधान की क्या की, मांग की, पहली औपचारिक मांग एम एल रॉय की मानी जाती है। इसके बाद 35 में कांग्रेस ने, 38 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। इसके बाद देखा हमने कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, किसके द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो 1940 में आया था, पहली बार संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान निर्माण की मांग को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसके बाद देखा कि इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। क्या आया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। इसमें हमने देखा है कि इसको भी हमने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें कहा गया कि संविधान का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा। इसके बाद देखा कि अंत में हमारी संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो हुआ कैबिनेट मिशन 1940 के आधार पर। किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन 1940 के आधार पर, कैबिनेट प्लान या मिशन 1946 के आधार पर आखिर हमारी संविधान का सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। जुलाई अगस्त 1940 में संविधान सभा के क्या हुए, चुनाव। इसके तीन सदस्य थे, जैसे जो कैबिनेट मिशन था ये हमारी संविधान सभा का या संविधान का क्या था, पास, पैथ्रिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टीफन क्रिप्स। इस तरीके से तीन इसके जो पैथ्रिक लॉरेंस थे इनके अध्यक्ष थे। और इस संविधान कैबिनेट मिशन में प्लान जो एक प्रावधान था कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 389, जो अलग अलग समुदाय से अलग अलग लिए गए थे। और इसमें जैसे ब्रिटिश भारत से जो लिए गए थे तो 296 थे, देसी रियासतों से 93 थे, कितने थे, 93। इसमें से भी हमने अलग अलग देखा 292 ब्रिटिश प्रांतों से, और जो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने थे, 4, जिसको हमने ए बी सी और डी के रूप में देखा। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी थे कुर्ग और डी से दिल्ली। इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो एक सदस्य था वो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था। ये तीन समुदाय से लिए गए थे, कितने समुदाय से, 3, जिसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य जन। अगर बात करें कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुए तो जो 296 सदस्य थे इनका चुनाव इनडायरेक्ट हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ, आनुपातिक की एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के द्वारा किया गया। इनको मनोनीत किया गया था, क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था राजा महाराजाओं के द्वारा। इसके बाद जो संविधान सभा में जो कांग्रेस के सदस्य कितने थे, तो कांग्रेस के सदस्य थे 208, मुस्लिम लीग के 73, और छोटे जो निर्दलीय कितने थे, 8, और छोटे छोटे दलों के थे 7। टोटल होते हैं 296, 296 सदस्य। इसके बाद देखते हैं कि 296 सदस्यों का चुनाव हो गया, तो संविधान सभा को पहली बैठक होती है। और हमने देखा कि पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को। इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसका जो प्रस्ताव रखा था वो थे कृपलानी, इसलिए जेपी कृपलानी जी को संविधान का प्रथम प्रवक्ता के रूप में संज्ञा दी जाती है। इसके बाद इसकी द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इनका भी इस दिन अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी ने ही प्रस्ताव रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, और इसी दिन दो अध्यक्ष बनाए गए थे, एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णाचार्य। एक संविधान के सलाहकार बनाए गए थे बी एन राव, और बी एन राव ने ही संविधान का प्रारूप बनाया था, ये सब देखा। और हम ऐसे बातें करते करते हम आ गए थे, हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा जो संविधान था वो कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। परंतु देखो, हमने देखा कि इस दिन संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, इस दिन संविधान के कुछ 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। इसी कारण कहते हैं कि इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, क्या कहते हैं, आंशिक रूप से लागू किया गया, लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। और इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे, किसके रूप में मनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाते थे, यानी 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते थे, विधि दिवस के रूप। परंतु जैसे ही मोदी सरकार आई तो उन्होंने 2015 से इसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, संविधान दिवस के रूप में, के रूप में, यानी 2015 में बीआर अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर जी की, अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर संविधान दिवस मनाने की घोषणा की और 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है साहब, कब से मना रहे हैं, तो यानी 26 नवंबर को पहले विधि दिवस मनाते थे, 2015 से संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं 2015 से। ठीक है साहब, इसके बाद संविधान कैसे हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ, कितने अनुच्छेद, 15, और इसी दिन संविधान पर 284 लोगों ने या सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और जो पहले हस्ताक्षर किए वो थे पंडित नेहरू, और सेकंड थे राजेंद्र प्रसाद। और राजस्थान से जो संविधान पर साइन करने वाले थे बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान से संविधान पर साइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। अभी देखेंगे राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो इस दिन कितने लोगों ने साइन किए, 284 लोगों ने साइन किए थे। तो वैसे संविधान सभा में उस समय सदस्यों की संख्या थी, वो सदस्य थे 299, परंतु कुछ अनुपस्थित रहे इसलिए सभी ने साइन नहीं करे, और अंतिम रूप से कितने साइन मिलते हैं, 284 लोगों के साइन मिलते हैं।
संविधान को क्या किया गया था, इसी दिन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मअर्पित किया गया। कई एग्जामों में सवाल पूछा है संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मअर्पित कब किया गया, तो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अगर बात करें यह कौन सा अधिवेशन था, तो हमने पहले चर्चा की कि यह संविधान सभा का 12वां अधिवेशन था। कौन सा था? 12वां अधिवेशन, सॉरी 11वां। कौन सा अधिवेशन था? 11वां अधिवेशन था, 11वां अधिवेशन था। यानी ये कौन सा अधिवेशन था? 11वां। जो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। तो ये 11वां अधिवेशन था। और बात करें ये बैठक कौन सी थी, तो यह 165वीं बैठक थी। तो हम देखें कि 26 नवंबर को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया और इसके 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, और 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 2015 में भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संविधान दिवस की मनाने की घोषणा की गई। और संविधान पर इसी दिन 284 लोगों ने क्या किया, साइन किए। इनमें से पंडित जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर साइन किए, और अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो अंतिम कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर साइन किए, और अपने राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता थे जिन्होंने सबसे पहले साइन किए राजस्थान से। बाकी संविधान पर सबसे पहले साइन किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरीके से हम देख रहे थे, और हमने देखा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, परंतु हमने इसे लागू कब किया, लागू पूर्णतः लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो हमने इसकी ऐतिहासिक रूप में देखा कि 1929 में 1929 में लाहौर में घोषणा की गई कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और यह स्वतंत्रता दिवस 1930 से लगातार मनाते आ रहे थे, और हम स्वतंत्र 15 अगस्त को हो गए, इसलिए इस तिथि को एक याद के रूप में बनाए रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 नवंबर को लागू ना करके कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ये सारी चीजें हुई। इसके बाद देखते हैं कि संविधान को पूर्णतः लागू कब किया, संविधान को पूर्णतः लागू कब किया, संविधान को पूर्णतः लागू, तो संविधान को पूर्णतः लागू पूर्णतः लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 को। यानी पूर्णतः लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। यह संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन था, तो यह 12वां अधिवेशन था। यानी संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, यानी संविधान बन तो कब गया, संविधान तैयार कब तक कब हो गया था, संविधान हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये 11वां अधिवेशन था। बैठक कौन सी थी? 165। यानी संविधान के निर्माण में कितने अधिवेशन? 11। बैठक कितनी? 165। यानी एक अधिवेशन संविधान के निर्माण के बाद हुआ था, और वो हुआ था, सॉरी, यानी संविधान को पूर्णतः लागू कब किया,
संविधान को पूर्णतः लागू कब किया? तो वो किया 26 जनवरी 1950 को। कब किया? 26 जनवरी 1950 को। और इसी वर्ष इसी कारण हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु देखें कि संविधान को पूर्णतः लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। और इसी कारण हर वर्ष क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, इसको देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। देखो 24 जनवरी 1950 को ही, तो पहली तो बात करते हैं ये अधिवेशन कौन सा था, तो यह 12वां अधिवेशन था। यानी संविधान के निर्माण के बाद जो अधिवेशन हुआ वो कौन सा था? 12वां। इसके बाद जो बैठक कौन सी थी, बैठक तो ये 166वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 166वीं बैठक थी। इसके बाद करें संविधान सभा के सदस्य अंतिम बार मिले। हो सकता है वो पर्सनल रूप से मिले हो व्यक्तिगत स्तर पर, परंतु संविधान के निर्माण से संबंधित वो अंतिम बार कब मिले? 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान सभा के सदस्य अंतिम बार मिले। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। यही बात कर लेते हैं कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। तो जो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, इसे राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। जो हमारा तिरंगा है उसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। और मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का स्वीकार किया। देखो तो राष्ट्रमंडल क्या है, जिसे कॉमनवेल्थ बोलते हैं ना, तो राष्ट्रमंडल वो है जो ब्रिटेन ने जिन देशों पर शासन किया है या जो ब्रिटेन की कॉलोनी उपनिवेश रहे, गुलाम रहे, उसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो भारत ने इसको कब स्वीकार किया था? मई 1949 में। और 14 सितंबर, संविधान सभा के कार्य है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय
भाषा के रूप में स्वीकार किया, रूप में स्वीकार किया। देखो हम 26 जनवरी 24 जनवरी से संबंधित फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये देखते हैं कि क्या क्या, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, यह संविधान सभा का 12वां अधिवेशन था, यह संविधान सभा की 165वीं बैठक थी और इस दिन संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से मिले। इसी के साथ साथ हमने देखा कि इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। और हमने इसके साथ देखा कुछ फैक्ट थे कि राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया। इसी से संबंध कुछ फैक्ट थे कि मई 1949 को जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया, यानी राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं मनाते हैं। इस तरीके से ये फैक्ट हुए। अब देखो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला तो बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल। तो संविधान सभा में, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला तो वो कौन थी, बेगम अयाज रसूल रसूल। इसी के साथ हम देखें कि एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला तो दक्षयानी बेला युहन, तो एकमात्र दलित महिला कौन थी, दक्षयानी बेला हुमन। तो ये एकमात्र दलित महिला थी, दलित महिला थी। कुछ फैक्ट है ये संविधान सभा के संबंध, तो एकमात्र कौन सी महिला थी, दलित महिला थी। इसके बाद देखें कि संविधान सभा में एसटी के सदस्य कितने थे, तो संविधान सभा में जो एससी के सदस्य थे वो थे 26 और जो एसटी के थे 33। क्या थे, 33। तो देखो अगर हम बात करें जो उसके एससी के सदस्य कितने थे 26 और एसटी के थे कितने, एसटी के थे 33। अगर बात करें कि देखो संविधान जो हमारा बन रहा था, तो जो अमेरिका वगैरह का जिनके अधिकांश देशों के संविधान हाथ से लिखे हुए हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई अपन भी संविधान को हाथ से लिखवाते हैं, तो इसके लिए पता लगाया गया कि भाई सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किसकी है, तो पता लगा कि शांति निकेतन जो कलकत्ता में हैं उसके प्रेम बिहारी नारायण राय जादा हैं, वो बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो प्रेम बिहारी थे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जब इनसे संपर्क किया, ये कहां से थे, ये शांति निकेतन थे, से शांति निकेतन जो कलकत्ता में, कहां पर है, कलकत्ता। इनसे संपर्क किया कि भाई आप हमारे संविधान को लिख दो हाथ से, तो इन्होंने कहा लिख देंगे। तो जब इनसे पूछा कि भाई ये बताओ क्या लोगे, तो इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नेहरू जी से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बने ठीक है, परंतु इन्होंने कहा मेरी कुछ शर्त है। भाई बताओ क्या शर्त है, इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए परंतु, इन्होंने दो शर्त बताई कि संविधान के हर पेज पर,
संविधान के हर पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा लिखूंगा। ये यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है, संविधान को हाथ से कितने लगा। ठीक है, नेहरू ने कहा लिखो दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इसने कही कि मैं संविधान के अंतिम पेज पर, संविधान के अंतिम पेज पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, अपने दादाजी का नाम लिखूंगा लिखूंगा। तो जब प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने कहा कि मेरी दो शर्त हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संविधान के हर पेज पर अपना क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, और अंतिम पेज पर मैं अपने दादाजी का क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, उन्होंने लिख दो, कोई बात नहीं। तो हमारे संविधान को हाथ से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। इन्होंने लगभग इसको लिखने में 6 माह का समय लिया। ध्यान रखना, संविधान के बने हुए को लिखने में 6 माह लिया, बाकी संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान को बनने में तो कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। परंतु संविधान को इन्होंने हाथ से लिखने में कितना समय लिया? 6 माह। अब हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि भाई इस संविधान को सजावट करवाते हैं, इसकी कलाकृति करवाते हैं। तो कलाकृति करने के लिए दो सदस्य थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। दो सदस्य थे, कौन कौन से? नंदलाल बोस देखो और राम मनोहर सिन्हा। तो ये भी शांति निकेतन से थे, नंद लाल बोस और मनोहर लाल सिन्हा। इन दोनों ने संविधान की क्या की? कलाकृति की, यानी सजावट की। क्या की? सजावट। जैसे हर पेज पर कुछ कुछ आकृति बनाई, जैसे घोड़े की, कमल की। जैसे हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना पर पढ़ने से पहले एक कमल की आकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कमल की आकृति बनी हुई है जो हमें शांति का क्या देती है? शांति का संदेश देती है। क्या बनी हुई है? कमल की आकृति बनी हुई है। अगर बात करें संविधान में कितने शब्द थे, ये भी पूछा गया है, संविधान में कितने शब्द थे? तो 170 369 संविधान में शब्द, ये इंग्लिश के हैं। और इसमें पेज कितने थे? तो 251। यानी संविधान में पेज कितने? 251। शब्द कितने? 170 369 ये शब्द हैं। और जो इंग्लिश वर्जन है, क्या है? इंग्लिश वर्जन, इस इंग्लिश वर्जन वाले में है, इसमें इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में ध्यान रखना। संविधान में पेज कितने हैं? 251। शब्द कितने हैं? 170 369 ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें संविधान के कुछ वाचन हुए, रीडिंग हुई, क्या हुई? रीडिंग। फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं, जब इतना ही देख रहे हैं तो संविधान की क्या देखेंगे? रीडिंग। तो वाचन या इसे कहते हैं रीडिंग। तो संविधान की कितनी रीडिंग हुई थी? फर्स्ट ये हुई थी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, सेकंड वाचन तो 15 नवंबर 1948 से
17 अक्टूबर 1949 तक, कब हुआ 1949 तक, ये सेकंड वचन है। क्या है? सेकंड वचन है। और ये कौन सा है? फर्स्ट वचन है। कौन सा है? फर्स्ट वचन। अगर इसकी थर्ड वचन, कितने वचन हुए? तीन। अगर तीसरे वचन की बात करें तो इसका तीसरा वचन हुआ 14 नवंबर से, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ये तीसरा वचन है, थर्ड वचन। कितने वचन हुए? तीन वचन हुए। देखो, अगर पूछा जाए कि संविधान के सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट वचन कौन सा था, तो द्वितीय वचन था। लगभग देखो, नवंबर से लेकर के आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग इस पर 11 माह वाचन हुआ। कितने माह? यानी ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट वाचन था, वाचन था। 11 माह चला। कितने माह? 11 माह। तो सबसे छोटा वाचन कौन सा होगा? फिर यही होगा, सबसे छोटा वाचन। ये भी पूछता है भाई, ध्यान रखना, छोटा वाचन। तो सबसे छोटा कौन सा है? पहला। और सबसे बड़ा कौन सा है? द्वितीय वाचन, सेकंड वाचन। तो संविधान सभा के कितने वाचन हुए? तीन वाचन हुए। इस प्रकार से संविधान के कितने वाचन हुए? तीन वाचन हुए। अब देखो, कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं। हमने बताया कि एससी की महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, एससी के सदस्य, तो वो बताया 26। एसटी से कितने थे? तो 33। ठीक है साहब, अगर बात करें महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो वो थी 15। कितनी थी? 15। पहली बैठक में कितनी महिला थी? पहली बैठक में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो पहली बैठक में थी 10। देखो, जो संविधान सभा में टोटल महिला थी वो कितनी थी? 15। अगर बात करें जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें कितनी महिलाएं उपस्थित हुई? 10। ठीक है साहब, ये हुए। अगर बात करें अपने राजस्थान से, राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य थे, 11 प्लस 12, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा थे। कई जगह 15 वगैरह मिलता है, कहीं 13 मिलता है, कहीं 10 मिलता है, 11। बाकी जो सही है वो कितना है? 12। यानी राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य 15 थे। कितने थे? 15। और ये थे, सॉरी, 12 थे। कितने थे? 12। और ये थे 11 प्लस 1। यानी एक था, वो कहां से था? अजमेर मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश था। और यहां से थे मुकट बिहारी भार्गव। कौन थे? मुकट बिहारी भार्गव थे। इस तरीके से संविधान सभा में जो सदस्य थे वो
राजस्थान से कितने थे, इतने थे। अब कुछ सदस्यों को अलग 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 कैसे कैसे दे रखा है उनको देख लेते हैं। देखो साहब, एक आपको सदस्य मिलेंगे 389, एक आपको सदस्य मिलेंगे 207, एक आपको सदस्य मिलेंगे 324, एक आपको सदस्य मिलेंगे 324, एक आपको सदस्य 389 और एक मिलेंगे 296 और एक मिलेंगे 207। क्या मिलेंगे? 207 और एक सदस्य मिलेंगे 324 और एक मिलेंगे 299 और एक मिलेंगे 284। ये कब कब कैसे कैसे थे तो वो देखेंगे। यानी जो 389 सदस्य थे ये संविधान सभा में घोषित सदस्य थे। क्या थे? 389 जो सदस्य थे वो क्या थे? घोषित सदस्य थे, घोषित सदस्य थे। 296 क्या था? इनका क्या हुआ था? निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। 207 कौन थे? पहली बैठक में भाग लिए। पहली बैठक, पहली बैठक में। 324 विभाजन के बाद, विभाजन के बाद ठीक है। 299 पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद। और 284 ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर। देखो साहब, 389 जो सदस्य थे, कितने? 389 जो सदस्य थे वो संविधान सभा में क्या किए गए थे? घोषित किए गए थे। कब? 16 मई 1940 को घोषित किए गए थे। जुलाई अगस्त 1940 में इनका चुनाव कब हुआ? यानी जो टोटल निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296 और इनका चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। 207 कब की बात है? तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। ये यानी माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 की। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए विभाजन के बाद? 324। जब संविधान सभा का पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा के सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए और बाकी के जब पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। तो संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299। अंतिम रूप जिस दिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किया वो किया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया? 26 नवंबर 1900। कई यहाँ पे कई बुकों में यहाँ कई अलग अलग सदस्य अलग अलग मिलते हैं तो बड़ी समस्या रहती है कि कब क्या क्या थे, कैसे कैसे थे। तो देखो, 389 जो सदस्य थे वो कैबिनेट मिशन के आधार पर घोषित किए गए थे और 16 मई 1940 को। 296 सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, निर्वाचित हुए थे और इनका चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1940 में। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1940 में। अगर बात करें कि 207 सदस्य, देखो कई बुकों में 211 मिलता है, बाकी अंतिम रूप से जो पहली बैठक में साइन किए थे वो 207 लोगों ने ही साइन किए थे। तो इस पहली बैठक में
कितने सदस्यों ने कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अंतिम रूप से 207 लोगों ने भाग लिया। जब भारत और पाकिस्तान का माउंट बेटन योजना के तहत क्या हो गया, विभाजन हो गया, तो सदस्यों की संख्या रह गई 324। परंतु जब अक्टूबर 1947 में जब इसका पुनर्गठन हुआ तो सदस्य रह गए 299। और अंतिम रूप से जो संविधान पर हस्ताक्षर किए वो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जैसे अभी हम जैसे 299 सदस्य है, क्या है 299, तो जब संविधान में अंतिम रूप से कितने सदस्य रह गए थे संविधान सभा में, तो कितने थे 299। तो वो कैसे कैसे थे, देखो 299 सदस्य थे, कितने थे 299, तो ये 229 तो निर्वाचित थे और 70 देशी रियासतों से क्या थे, मनोनीत। यानी 70 जो सदस्य थे वो कहां से थे, देशी रियासतों से। और जो बचे जैसे 229, अब 229 जो थे वो कहां से थे, ब्रिटिश भारत से, कहां से थे ब्रिटिश भारत से। और इसके बाद देखें तो इनमें से 3 सदस्य कितने, 3 सदस्य कहां से थे, केंद्र शासित प्रदेशों से रह गए थे अंतिम रूप से, केंद्र शासित प्रदेशों से। 3 क्यों रह गए थे, क्योंकि जो बलूचिस्तान था वो किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो कितने रह गए, 3 ही रह गए। और जो ब्रिटिश प्रांतों से कितने रह गए, तो 229 में से 3 गए, तो कितने बचे 226। इस तरीके से अंतिम रूप से जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कितने थे 299। देखो हमारा संविधान अगर बात करें तो संविधान को बनने में संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। अगर बात करें कि संविधान पर खर्चा कितना आया, संविधान को बनाने में कुल खर्च, तो ये कुल खर्च हुआ था लगभग जैसे जो कुल खर्च हुआ था वो हुआ था 63,96,729। अब इसी को 64 लाख लगभग बोल सकते हैं, 64 लाख लगभग। अगर बात करें संविधान को बनाने में संविधान सभा के सदस्यों ने कितने देशों का अध्ययन किया, तो संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, संविधानों का अध्ययन किया। तो संविधान को बनाने के लिए हमारा जैसे हमारे जो संविधान है इसको अच्छे से अच्छा संविधान कैसे बनाया जाए, इसके लिए संविधान सभा के सदस्य दूसरे देशों में जा जाके उन देशों के संविधान का क्या किया,
अध्ययन किया और इसलिए एक श्रेष्ठ संविधान बना करके तैयार किया। इसलिए भारत के संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया, अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।